नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। उसके स्टेटमेंट आ रही थी भाई, कहीं हम एक किसानों को समझाने में असफल रहे, यानी उन्होंने अपनी हार कबूल कर ली। लेकिन हार जीत का बात नहीं है, बात है सच्चाई की। सच्चाई की जीत हुई है। काले कानून हमारे खिलाफ थे और पता इनको भी था, तो आखिरी इन्होंने बात हमारी मान ली। हम इनका भी, प्रधानमंत्री का भी, सारी पार्टी का धन्यवाद करते हैं। हार मैं आज के दिन की सबसे पहले आपको और सभी चैनलों को जिन्होंने इस किसान आंदोलन को में जान डाली और यहाँ तक पहुँचाया कि हम जीत गए, आप लोगों का धन्यवाद। सारे देशवासियों को मैं गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व की लख लख बधाई देता हूँ। और किसानों की जीत की, ये किसानों की जीत न होकर सारे देशवासियों की जीत है। सारे देशवासियों को, इवन 2000 लिविंग इन अब्रॉड, उनको भी लख लख बधाई देता हूँ। ये हुआ इसलिए है कि 5 स्टेटों में चुनाव होने वाले हैं, इनको पता हो गया ताकि अभी अगर हम ये काले कानून वापस ना किए तो कहीं ना कहीं हमें मुंह का हार का मुंह देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, टोल प्लाजा जब तक रहेगा तब तक पार्लियामेंट में कानून वापस होकर लागू नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को गुरु नानक जी के 500वां प्रकाश पर्व पे हार्दिक बधाई दूंगा। और जहाँ तक कृषि कानूनों की बात है तो इतना कहना चाहूँगा कि ये देश अन्नदाता की जीत है, देश की जीत है और अहंकार की हार है। तो जो 600 से ज़्यादा किसान भाई इस आंदोलन में शहीद हो गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं यही कहूँगा कि तुरंत प्रभाव से ये काले कृषि कानून निरस्त होने चाहिए। और साथ ही जो इस अहंकारी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कारण जो नुकसान हुआ है देश का, उसके लिए ये माफ़ी मांगे देश से। बहुत ही खुशी का दिन है,
आज गुरु नानक देव जी का 552वां जन्मदिन भी है और किसान एकता आज जिंदाबाद हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों काले कानून वापस ले लिए हैं। ये किसान के साथ साथ आम व्यक्ति की जीत है और हमारी मांग है तीनों काले कानून वापस तो ले लिए, अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी कानून बनाए सरकार। और आज के दिन भारत का प्रत्येक जन जन खुश है क्योंकि गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी है, इसकी मुबारकबाद देते हैं और आज किसान की भी जीत हुई है, इसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं।